नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में, करनाल से केसी आर्या। गांधी फार्मेसी के जो बच्चे हैं ऑनलाइन परीक्षा को लेकर आज लघु सचिवालय पहुंचे हैं और उनकी क्या मांग है उनसे बात करते हैं। क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सर, क्या कहें, किस लिए आप यहां पर पहुंचे हैं? मेरा नाम रवि शर्मा है, विद्यार्थी परिषद से हूँ। करनाल की फार्मेसी कॉलेज, जो गांधी फार्मेसी कॉलेज है, उनके विद्यार्थियों की एक समस्या आई थी पिछले 3 दिनों से। वो पहले तो कॉलेज प्रशासन के समक्ष बैठे थे, प्रशासन से डिमांड करी कि जो हमारे सेशनल हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएं। आपको पता होगा कि अभी जो स्थिति है कोरोना की, दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर 8 तारीख को जो है सेशनल शुरू हो रहे हैं। उन सेशनल का पूरा जो फ़र्क है वो पूरे फाइनल असेसमेंट में पड़ता है, जबकि फाइनल एग्ज़ाम जून जुलाई में है। वो कहते हैं हम पोस्टपोन कर देते हैं। हम पोस्टपोन के खिलाफ हैं क्योंकि को अपना समय नहीं मिलेगा फाइनल एग्जाम की तैयारी करने का भी। ऊपर से हमने कहा कि आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते आप एग्जाम, जब आप पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो, आप सेशन ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते? ऊपर से धमकियां मिलती हैं कि हम आपको फेल कर देंगे, ये कर देंगे, तब आप क्या कर लोगे? ऑफलाइन लेने का माध्यम क्या है? आपको पता है कि कल ही जो 54 केसेज हैं सैनिक स्कूल के आए हैं और 364 केस महाराष्ट्र में आए, 108 केस कांगड़ा के अंदर आए हैं। दिन प्रतिदिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा है ये, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वैक्सीन अभी लगी नहीं है, वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ है अभी और तीसरे चरण में शायद हमें लगेगी। तो हमारा चरण इतना बड़ा, हम देने के लिए तैयार हैं एग्जाम्स, पर इस वक्त की जो स्थिति है वो स्थिति इस तरह की है, दयनीय स्थिति है हम कहेंगे। और छात्र भयभीत है, कॉलेज प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा, साथ के साथ इनके ऊपर जो सरकार है उसने भी दबाव डाल रखा है। PCI है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका एक है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, लेने के लिए तैयार है, परंतु जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने को तैयार है, अपने घर पर डिस्टेंसिंग की है। और कॉलेज कहता है कि हमने कॉलेज ओपन कर चुके हैं, आप हमें स्ट्रेंथ बताइए, कितने कॉलेज आपके बच्चे आ रहे हैं? क्योंकि विद्यार्थी भयभीत है, कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी बीमारी है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। हम सब गांधी कॉलेज फार्मेसी के हैं अभी करनाल के, और हमारा जो प्रदर्शन है विद्यार्थी, ये कम से कम 112 बच्चे करीब थे हम यहाँ पे जो अब प्रेजेंट हैं इस वक्त हैं, बट इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं आए अभी भी। माँ बाप भयभीत है कि नहीं भेजता अपने बच्चों को कॉलेज का। मेरा नाम रवि शर्मा है। तो ये है रवि शर्मा, जिनका कहना है कि फार्मेसी के छात्र हैं वो, और 112 छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं। हमारे साथ कॉलेज के और भी जो है छात्र हैं, क्या कहेंगे मैडम? हम चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो। जैसे आपको पता है पूरा साल हमारे क्लासेस ऑनलाइन लगी हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए तो हम प्रिपेयर ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो सिलेबस जो उन्होंने एक साल में ऑनलाइन में कंप्लीट किया है, हम 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके वो एग्ज़ाम्स दे, पर वो जैसे पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो, जैसे और कॉलेजेस के हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों ने प्रदर्शन किए ताकि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो। उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने देखा कि बच्चों के लिए नहीं सही है, तो इसलिए उन्होंने उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कर दिए। हम भी चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हों। यहाँ पर कहाँ पहुँचे आप, किससे मिलोगे? हमें DC साहब से मिलना है ताकि वो हमारा ज्ञापन ले और हमारी मांगों को सुने, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हों। इससे हमारे फ्यूचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऑफलाइन में ये दिक्कत है कि कई बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कई बीमार थे, ज्वाइन नहीं कर पाए। अब उनके तो ये चीज़ सोल्व नहीं हो सकती, और साल गया वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो, जिनसे हमारा टाइम बच जाए और हमारे फ्यूचर पर उसका इफेक्ट ना पड़े। प्रगति, तो यह है प्रगति जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 छात्र आए हैं और DC से ज्ञापन देने के लिए वो मांग कर रहे हैं कि उनका ज्ञापन लिया जाए। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों छात्र यहाँ पर आए हैं और उनकी मांग है कि जो उनकी ऑनलाइन पेपर की मांग है वो मंजूर की जाए, क्योंकि और दूसरे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर ऑनलाइन पेपरों की जो मांग है उनकी पूरी हो चुकी है। उनको ऑप्शन दिया गया कि वो ऑफलाइन देना चाहें या ऑनलाइन देना चाहें, परंतु जो गांधी फार्मेसी कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी भी यही मांग है कि उनको ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया जाए, ताकि जो भी बच्चे ऑनलाइन पेपर देना चाहें वो दे सकें। फिलहाल आप देख रहे हैं सेक्टर 12 में DC को मिलने आए हैं, परंतु अभी यहाँ पर DC निशांत कुमार यादव मौके पर नहीं है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और सभी अपना ज्ञापन लेकर यहाँ पहुँचे। आप देख रहे हैं कि ज्ञापन उनके हाथ में है और वहीं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से उनकी जो ऑनलाइन डिमांड है वो पूरी की जाए। परंतु देखना यह है कि DC महोदय कितना उस पर एक्शन लेते हैं, क्या उनको मंजूरी देते हैं। फिलहाल ये अभी मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ और भी छात्र हैं, आप कहाँ से आए हो, क्या मांगे? सर, ऑनलाइन क्लासेस में हमारा सिलेबस हुआ है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ना तो रिवाइज कराया जा रहा है, और अब कोरोना का केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम को लेकर मांग कर रहे हैं सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम की। क्या नाम आपका? अनुराग। क्या कहेंगे, क्यों आया, क्या मामला है? सर, मेरा नाम रजत है। सर, हम गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आए हैं। सर, हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि सर पूरे साल सर हमारी जो क्लासेस लगी है वो ऑनलाइन लगी है, तो इसके लिए ऑफलाइन बच्चे प्रिपेयर नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन होने चाहिए हमारे क्लास। तो इसी बार देना है या और कॉलेजों में ऐसी मांग मान ली? नहीं सर, हाँ जी सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है सर, उसमें ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, इसीलिए हमारे होने चाहिए सर। क्या नाम? सर रजत।
तो ये है रजत, इनका भी यही मांग है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं उनके ऑनलाइन सभी की और भी डिमांड मांग ली गई, ऑप्शन दे दिया गया, परंतु गांधी फार्मेसी के बच्चों की भी यही मांग है, इसलिए वो डीसी को मिलने आए हैं कि उनको भी ऑनलाइन पेपर की मंजूरी दी जाए। करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।